इन खुशियों को हम अभी ठीक करेंगे नाजिर भाई जी। तो इन्होंने फुल मज़े लिए हैं इसके स्नोफॉल के। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माई अनदर ब्लॉग। मैं आपके साथ आसिफ। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं इस वक्त बारापत्थर मलिकाल एरिया में खड़ा हूँ और 2022 की फर्स्ट स्नोफॉल भी हो गई है जो मैं आपको जो दिखाऊंगा अभी। तो आप पीछे देख रहे हैं चीना पीक पर स्नोफॉल, जो वाइट वाइट दिख रहा है वो पूरा स्नो है। तो मैं अभी जा रहा हूँ स्नोफॉल देखने और आपको भी स्नोफॉल दिखाऊंगा। बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं भी, क्योंकि मैंने लास्ट जो स्नोफॉल हुआ था लास्ट वीक उसमें मैं नैनीताल था नहीं, तो मैं देख नहीं पाया था और दिखा भी नहीं पाया था। तो गाइज़ अभी मैं आपको स्नोफॉल दिखाता हूँ, तो सभी लोग जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। तो मिलते हैं अभी स्नोफॉल में, मज़े लेने जा रहे हैं मैं और मेरा भाई नासिर भाई, दोनों हम जा रहे हैं इसमें। तो हमारी गाड़ी आगे खड़ी है, अभी हम चल रहे हैं अभी। तो गाइज़ मिलते हैं अभी स्नोफॉल में। ये देखिए मेरे बगल में स्नोफॉल, ऊपर बगल में मतलब हिल्स पर, पहाड़ों पे हमारी गाड़ी आगे खड़ी है गाइज, वो खड़ी है सामने। गाइज हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी हम स्नोफॉल की तरफ को जा रहे हैं हिमालय दर्शन में। तो वहाँ पर देखते हैं कितनी स्नोफॉल हुआ है, मतलब कितना स्नो पड़ा है। तो ये देखिए इधर सामने वाइट वाला पूरा स्नो है। हमारे नासिर भाई ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं बैठा हूँ। तो ये जो एरिया है ना, सबसे कोल्ड एरिया है नैनीताल का, बारापत्थर। तो यहाँ बचपन में मतलब मैं यहीं से स्कूल जाता था, स्कूलिंग यहीं से करी है मैंने नैनीताल से ही। तो यहाँ पाला स्नो जम जाती है, मतलब पानी जो होता है ना उसके ऊपर स्नो पड़ती है वो जम जाता है, बड़ा स्किड होता है, फिर आदमी चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और गाड़ी स्किड्स होती हैं, बाइक से स्किड्स हो जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है इस रोड में। ये पूरे में मतलब यहाँ वाइट वाइट स्नो पड़ जाता है ना, तो पूरा जम जाता है, वो स्लिपरी हो जाता है पूरा। तो गाइज ये बारापत्थर एरिया है, यहाँ से दिल्ली को भी जा सकते हैं आप सीधे। इधर हम चल दिए पंगोट, पंगोट रोड है ये। तो ये एरिया पूरा बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये देखिए यहाँ पर सब में भुट्टास बेच रहे हैं, सब भुट्टास। स्वीट कॉर्न का ऊपर है, काफी क्राउड भी आ गया आज। गाइस देखिए सामने स्नोफॉल, फाइनली स्नोफॉल हो गया नैनीताल में फिर 2022 का फर्स्ट स्नोफॉल। लास्ट वीक कुछ दिन पहले ही अभी हुआ था स्नोफॉल, लेकिन मैं नैनीताल में था नहीं, वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाया था और वीडियोस बना भी नहीं पाया था, यहाँ कुछ काम में बिजी था, कहीं गया हुआ था। ये नीचे सूखा था लग रही, कार आना शुरू हो गया है सामने देखिए। तो जैसे ही यहाँ का वेदर खराब होता है फिर से स्नोफॉल हो सकता है। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचने वाले के बस पहुंच ही गए। भाई 2022 की पहली स्नोफॉल है, क्या एक्साइटमेंट है आपको? खुशी हो रही है। खुशी कैसे, किस तरह से जाहिर करना चाहोगे आपको खुशी? तो अलग ही मज़ा आता है, जैसे जब
चलो इनकी खुशी हम देखना चाहेंगे आज। इनकी खुशी मतलब ये कह रहे हैं बिल्कुल अलग अलग तरह की खुशी होगी, वो खुशी हम देखेंगे कि कौन सी खुशी होगी इनकी। तो गाइस हम जो है इन्हें वहीं लपेटेंगे अभी स्नोफॉल पर, बर्फ में लपेटेंगे अभी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनकी खुशी, खुशी को कम में बदलूँगा मैं। तो चलिए गाइस अभी हम वहाँ बात करेंगे। तो गाइस मैं लगभग यहाँ पहुँच ही गया हूँ, लगभग नहीं फाइनली पहुँच ही गया हूँ। तो ऐसा है गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत है। तो अभी हम लोग गाड़ी को यहीं पार्क करेंगे क्योंकि हमें पहले ही पार्क करना पड़ेगा और गाड़ी को हम लोगों को उतर के वॉक करके जाना पड़ेगा स्नोफॉल के लिए। तो नाजी भाई आप उतर के आ जाइए, इधर लगा दीजिए गाड़ी कहीं पर। देखिए सभी वॉक करके जा रहे हैं, लगभग जो लोकल पीपल हैं उन लोगों को पता है ना आगे ट्रैफिक बहुत होगा, जाम लग जाएगा, इसलिए गाड़ियाँ ये बाहर की गाड़ियाँ वाले तो मतलब जाते रहेंगे, बट जो लोकल लोग हैं वो गाड़ी अपनी यहीं छोड़ देंगे। ये देखिए बहुत लंबा जाम लग गया पीछे से। यहाँ लिया नासिर, यहाँ से अंदर डाल दे नासिर, नासिर यहाँ डाल दे यहाँ। फाइनली हमारी गाड़ी भी पार्क हो गई है, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, स्पेस नहीं था यहाँ पर, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ देखिए। बहुत क्राउड है गाइस, गाइस सभी की गाड़ियां यहां फंस गई हैं, गाड़ियाँ फंस गई हैं यहाँ पर और यहाँ से गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो जाएंगी। अब गाइस जाम देखिए आप कितना ज़्यादा लग गया है यहाँ पर, लोग बिल्कुल वॉक करके जा रहे हैं बगल वो, यहाँ थोड़ा रास्ता है। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर अभी सिर्फ स्नोफॉल की वजह से, देख सकते हैं आगे भी काफ़ी लोग चल रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है हिमालय दर्शन आपका स्वागत करता है, कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, सभी लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है कह रहे हैं। बहुत ट्रैफिक था गाइस, बड़ी मुश्किल से निकल कर आए, वॉक करने का रास्ता तक का नहीं था वहाँ पर। नासिर भाई ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा खेले आज, बहुत ज़्यादा खेले आप देख सकते हैं लोगों के लिए अलग खराब है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अभी तक हम इसको बॉल देखने आए हैं बट अभी बादल ही बादल मिल रहे हैं, देखिए क्राउड देखिए भीड़ देखिए। गाइस ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है ना क्या बताऊँ, हाथ फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है हाथ से, बिल्कुल एकदम चिल हो गए हाथ। और अभी किसी का फ़ोन आ रहा था, मैं दूसरे फ़ोन पर फ़ोन तक रिसीव नहीं कर पा रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। लेकिन ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस नीचे स्नो, रात
आराम से भाई, आराम से। चलो आओ भाई, स्पार्क कराओ, बॉडी गर्म रहेगी। स्नोफॉल के मजे ले रहे हैं यहाँ लोग, या इनके स्नोफॉल मजे ले रहा है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए इसमें जहां स्नोफॉल पड़ा हुआ है अभी। ये हिमालय दर्शन एरिया है, हालत ख़राब हो गई है ठंड में मेरी, और क्या बताऊं आपको, गाड़ियां फंसी हुई हैं यहां, देखिए बहुत सारी। ये देखिए बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया, ज़बरदस्त हो गया स्नोफॉल। हम सोच रहे थे थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखिए सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन ठंड में हालत भी ख़राब है इनकी। ये देखिए गाइस, गाड़ियाँ छोड़ दी हैं लोगों ने यहीं पर। भैया मामू सब फोटो साइन कर दिए। गाइस काफ़ी हद तक बर्फ़ पड़ गई है यहाँ पर। ये 2022 का फास्टेस्ट स्नोफॉल है, अभी लास्ट वीक भी हुआ था, बट उसमें मैं यहाँ था नहीं, और पता नहीं उस वक्त कितना हुआ था। मैंने ब्लॉग्स तो देखे थे लोगों के, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा हुआ इस बार का। यहाँ काला आ रहा देखिए गाइस, ये गाड़ियाँ फंस गई हैं यहाँ पर। ये देखिए स्नोफॉल, तो ये हमारे नासिर भाई हैं, इनके ऊपर हमने मार भी दिया है। अब नासिर भाई से पूछते हैं हम, क्या क्या खुशी महसूस कर रहे हैं नासिर भाई आप? नासिर भाई क्या खुशी महसूस कर रहे हैं? कोई बात नहीं, सबको मार दो बर्फ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, बर्फ में मजे ले रहे सब। तो भाई देखिए क्राउड, देखिए कितना ज़्यादा है यहाँ पर, स्नोफॉल के एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। तो सभी लोग आ सकते हैं अभी, क्योंकि अभी वेदर बना हुआ है, स्नोफॉल और भी होगा, अभी इतना ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। भाई मेरे सर में इतना बर्फ मार दी है भाई ने, नासिर भाई कम है। मैं इस वक्त हिमालय दर्शन में पड़ा हूँ, और यहाँ पर देखिए आप कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है। तो आप स्नोफॉल की इंजॉय कर सकते हैं, आप आ जाइए यहाँ पर अभी। तो अभी ये एकदम से पिघलेगी भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम तक रह जाती है बर्फ़, लास्ट ईयर भी बहुत दिन तक रह गई थी, हमेशा से यहाँ बहुत टाइम तक रह जाती है। हालत ख़राब हो गई है, बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल हाथ के कुछ भी चल नहीं पा रहा है, बता नहीं सकता मैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो गाइस यहाँ पर मज़े लेने के लिए आप आ जाइए, 11:30 बज रहे हैं सुबह के अभी, और 2022 की ये फर्स्ट स्नोफॉल है। तो बाकी ये देखिए क्राउड कितना ज़्यादा है यहाँ पर, सभी सैलानी मतलब टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, और ये मज़े एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर ऊपर देखिए, ऊपर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। तो गाइस सभी लोग बने, गाइस सभी सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी मिलेंगे हम नए ब्लॉग में। तो 2022 का स्नोफॉल हमने आपको दिखा दिया अभी। तो मेरे साथ नासिर भाई हैं, मजे लेते हुए। हाँ ये नासिर भाई, ओह ये देखिए।
इनकी जो खुशियाँ हैं ना वो अभी हम खुशियों को तब्दील करेंगे, इन खुशियों को हम अभी ठीक करेंगे नाज़िम भाई जी। तो इन्होंने फुल मज़े लिए हैं इसके स्नोफॉल के। भाई जी देखिए मेरे पीछे कितना क्राउड है, तो बहुत क्राउड, बहुत लोग हैं। ये देखिए ये गाइस, बहुत मजा आ रहा है मुझे। सिंपल तो अभी गाइस हम मजे ले रहे हैं। देखिए अब अभी हमने ऐसे बर्फ उठाई और फिर देखिए फुल मजे ले रहे हैं। देखिए अभी लोग ये तो बर्फ में मस्ती करते हुए मजे करते हुए, आप लोग भी आ सकते हैं, मजे ले सकते हैं बर्फ के, बाइस के, और आप आइए मजे करिए, चले। और ठंडा लग चुका है। तो गाइस अब हालत हो गई हमारी खराब। हेलो हेलो, क्या हाल है? तो मेरे देखो सब्सक्राइबर भी मिल गए मेरे को यहाँ पे, और हम लोग झरनाटे मार चुके हैं ठंड से। थैंक यू। तो अभी हम जो है यहाँ से वापस जाते हुए एंजॉय करते हुए ना महंगी है। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी गाड़ी सब फंस चुकी है। तो देखिए इस तरह से गाड़ी निकाली जा रही है गाइस, अभी स्नोफॉल में फंस गई है गाड़ी। हाँ मुंह तो अच्छा होना लगा मुझे तो। अब बताओ यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं खूब। तो यहाँ बर्फ में लोग झरने मार रहे हैं। तो गाइस फिर मिलेंगे अब हम न्यू व्लॉग में। सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, कुछ पूछना हो तो उसमें कमेंट कर देंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो